नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संतोष बनवाते। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने वाला। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप बाबा नगरी बाबा बैजनाथ धाम देवघर जा रहे हैं तो उनका ऑनलाइन पास किस तरह से बनाएंगे, और बाबा बासुकीनाथ दुमका जा रहे हैं तो उसका ऑनलाइन पास किस तरह से बनाएंगे, और इटखोरी मंदिर रजरप्पा मंदिर का ऑनलाइन पास किस तरह से बनाएंगे, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली से आपका एक आधार कार्ड आईडी होना चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड आईडी 2 MB का होना चाहिए, 2 MB तक होना चाहिए JPG फाइल में दोस्तों, तभी आपका सक्सेसफुली बुकिंग हो पाएगा ऑनलाइन पास के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, झारखंड दर्शन nash.in पे जाना है, उसको ऑनलाइन पास कैसे बनाएंगे मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाइए। मोबाइल के स्क्रीन पर आपको गूगल खोल लेना है दोस्तों। चलिए मैंने गूगल खोल लिया। गूगल खोलने के बाद आप गूगल खोल लिया, गूगल पे टाइप करना है झारखंड दर्शन nash.in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा सामने दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है झारखंड दर्शन, उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम, उसके बाद चेकिंग बुक स्टेटस बाबा बासुकीनाथ, कॉन्टेक्टस फैमिली बुकिंग, बुकिंग कैंसिलेशन। तो आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन झारखंड दर्शन लिखा हुआ आ रहा है, उस पर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। करने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा आप लोग के सामने दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री का फोटो है और झारखंड का लोगो है, और दर्शन पे देख सकते हैं दोस्तों बाबा बैद्यनाथ मनसिगिनी देवघर का फोटो है, उसके बाद यहाँ बाबा बासुकीनाथ संस्कार मंडप बासुकीनाथ दुमका का फोटो है, उसके बाद रजरप्पा मंदिर रजरप्पा रामगढ़ का फोटो है, उसके बाद माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा चतरा का फोटो है दोस्तों। तो आप सिंपली से आपको यहाँ फैमिली के साथ गए तो फैमिली के साथ बुकिंग कर सकते हैं, आप सिंगल गए तो इंडिविजुअल बुकिंग कर सकते हैं। तो आप फैमिली के साथ गए तो फैमिली बुकिंग कर सकते हैं, आप सिंगल गए तो सिंगल कर सकते हैं इंडिविजुअल बुकिंग। तो मैं सिंगल गया दोस्तों, इंडिविजुअल बुकिंग पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ दर्शन टाइप इंडिविजुअल सिंगल के लिए है दोस्तों, दर्शन लोकेशन मनसिंगी देवघर, ये देवघर में है दोस्तों। उसके बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको बुक दर्शन लिखा हुआ है, दर्शन डेट आप किस तारीख को दर्शन करना चाह रहे हैं, तो मैं 21 तारीख को, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा दोस्तों कितना तारीख आप दर्शन देना चाहते हैं। तो चलिए मैंने 21 तारीख को देना चाह रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ दर्शन टाइम, आप कितने समय वहाँ दर्शन देंगे, तो यहाँ 6 बजे से लेकर 2 बजे तक पूजा होती है, आप किसी भी टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने 8 से 9 को क्लिक किया, 8 से 9। उसके बाद आपको दर्शनार्थी स्टेट पूछा जा रहा है, तो मैं आप किस स्टेट से हैं, तो मैं झारखंड से, अपने स्टेट के अनुसार क्लिक कीजिएगा। तो मैं झारखंड से, झारखंड को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको दर्शनार्थी डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप किस ज़िले से हैं, तो मैं हज़ारीबाग ज़िले से हूँ, हज़ारीबाग ज़िले को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे पूछा जा रहा है पांडा नाम ऑफिस ऑपरेशनल और इंटरव्यूर पांडा नेम, इसमें पांडा नाम आप अगर जान रहे हैं तो दे दीजिए, और नहीं जान रहे तो किसी के भी नाम से पांडा का नाम दे दीजिए, चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैंने गायत्री पांडा को दे देता हूँ, चलिए गायत्री पांडा। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, आप सिंगल जाने तो सिंगल को क्लिक कर लीजिए एक पे। उसके बाद एबिलिटी यहाँ पे 30 दिया जाए, 30 एक दिन का सीट है, 30 आदमी पूजा कर सकते हैं। तो आप सिंपली से अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए। चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद आप सिंपली से एड्रेस पर आधार, इस पर जिस आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसी तरह से टाइप कर देना। तो विलेज में लिख लिया बकसपुरा। लिखने के बाद आप सिंपली से पोस्ट ऑफिस लिख लेना है, उसके बाद थाना लिख लेना है, उसके बाद ज़िला लिख लेना है, उसके बाद झारखंड, और पिन नंबर दे दीजिए 82 53 12 आपका जो भी पिन नंबर है। उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट आधार कार्ड फोटो एंड एड्रेस एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड
एंड एंट्री टू टेम्पल इज नॉट अलाउड। तब सिंपली से आप अपना नाम लिख दीजिए और अपलोड आधार JPG 2 MB ओनली एड्रेस एंड फोटो शुड बी विजिबल। तब सिंपली से 2 MB का बना लीजिएगा अपना फ़ोटो आधार कार्ड का। आगे सर दे सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड का 2 MB बना करके। तो आप अपना नाम लिख लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। चलिए मैंने अपना नाम लिख लिया। आधार कार्ड में जो नेम लिखा हुआ वही लिखिएगा दोस्तों। चलिए मैंने अपना नाम लिख लिया। उसके बाद आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा कितने वर्ष का है। चलिए मैं 22 वर्ष का हूँ तो मैं 22 साल का लिख लिया। उसके बाद आप जेंडर पे क्लिक कीजिए, आप फीमेल है मेल है तो मेल हूँ दोस्तों, मेल पे क्लिक किया। उसके बाद आपने अगर आप फोल्डर में सेव करके रखें आधार कार्ड तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो कैमरे से कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फाइल पिल रखा हूँ दोस्तों, जिस फाइल पे है उस फाइल फोल्डर को खोल लीजिए। उसके बाद अपना आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। चलिए मैंने खोल ले रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट पे रखा हूँ दोस्तों। चलिए मैं स्क्रीनशॉट खोज लेता हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट, चलिए मैंने स्क्रीनशॉट खोज लिया। मैं अपना आधार कार्ड देख रहा हूँ दोस्तों कहाँ पे है। चलिए मैंने स्क्रीनशॉट पे रखा था अपना आधार कार्ड, खोल लिया दोस्तों। यहाँ पे सिंपली से आप देख सकते हैं दोस्तों, चूज फाइल इमेज JPG लिखा हुआ, आप समझिए आपका आधार कार्ड अपलोड हो चुका। तो आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन पे सारे पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। सारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लीजिए। उसके बाद इंटर कैप्चा हेयर 2858 इसको आपके अनुसार जिस तरह से कैप्चा को उस तरह से डाल देना है दोस्तों। चलिए मैंने डाल लिया 2858 2858 डालने के बाद आपको सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट पे गेट दर्शन स्लिप इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, अगर प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद आप सिंपली से लोड ले रहा है दोस्तों। चलिए कुछ देर के लिए वेट कर लेता हूँ दोस्तों, अगर प्रोसेसिंग ले रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बुकिंग प्रीव्यू फॉर बाबा बैजनाथ देवघर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन, योर बुकिंग इज सक्सेसफुली, काइंडली प्रीव्यू और बुकिंग, प्लीज रिव्यू बुकिंग बिफोर फाइनल अपडेट, आफ्टर दैट नो मॉडिफिकेशन इज परमिटेड। तो आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, अपना नाम सही है कि नहीं, इस पर एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। अभी एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलत टाइप हो गया है तो। आपका प्लेस नेम है बाबा बैजनाथ देवघर, दर्शन डेट है आपका 21 अक्टूबर 2020, विजिट टाइम है 8 से 9, मोबाइल नंबर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, और पांडा का नाम देख लीजिए। अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं यहाँ से, आप अपना जेंडर मिला लीजिए। उसके बाद एड्रेस में कुछ गलत हो तो उसको सुधार सकते हैं। सुधारने उधारने सारा चीज़ करने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, इसको पहले आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सारा चीज़ पूरा क्लियर आधार कार्ड से मिला लीजिए सही है कि नहीं सारा चीज़। उसके बाद यहाँ पे फाइनल अपडेट है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली से देख सकते हो दोस्तों, www.jharkhanddarshannash.in यहाँ पे ओके कर देना है। अब समझिए दोस्तों आपका, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद के लिए प्रोसेस में कर दिया गया है दोस्तों। तो आपको सिंपली से दर्शन स्लिप आपका बन गया है दोस्तों। आप दर्शन स्लिप ऑनलाइन पास आपका बन गया है, आपको वहाँ लिखा हुआ। तो दोस्तों अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए तो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप उसको कैसे फिर से दोबारा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों किस तरह से सिंगल गए हैं तो किस तरह से ऑनलाइन पास बनाएंगे, और फैमिली के साथ गए हैं तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। वहाँ
तीन चार पाँच आदमी का भी आधार कार्ड दे सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस है इंडिविजुअल और फैमिली बुकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।